वेलकम बैक टू माई चैनल हिज स्कैम हर बैकपैक। और इस यूरोप सीरीज में आज हमारे हैं एम्स्टर्डम में। तो एम्स्टर्डम में देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू एक्सप्लोर, जिसमें सबसे पहले आज हम आए हैं द रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम। रॉयल पैलेस ऑफ एम्स्टर्डम इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस बिल्डिंग ऑफ नीदरलैंड फ्रॉम 17th सेंचुरी। सो ये जो पैलेस है, ये मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है एम्स्टर्डम का। ऑल्दो ये पब्लिक के लिए ओपन है, बट यहाँ पे जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो होस्ट किए जाते हैं, जैसे न्यू ईयर ईव, गाला डिनर्स और अवार्ड सेरेमनीज भी यहाँ पे होती हैं। सो इफ़ यू गो इनसाइड दिस पैलेस, यू एक्चुअली गेट अ चांस टू वॉक इन द फुटस्टेप्स ऑफ द रॉयल फैमिलीज। So guys, after Royal Palace of Amsterdam, the next place we are going is Jordan, which is our neighborhood, a very cute neighborhood here. तो उसके लिए या तो आप ट्रेन से जा सकते हो, बट उसके लिए आपको वापस सेंट्रल स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से ट्रेन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज यहाँ पर एक वॉकिंग रूट भी बना है, तो इफ यू जस्ट फॉलो द साइंस टू टेक यू दैट प्लेस। और यहाँ ऑन द वे ये ब्यूटिफुल कैनाल्स के व्यूज़ आ रहे हैं। Hey guys, we are in Jordan. Jordan एक बहुत ही क्यूट नेबरहुड है इन द सिटी ऑफ एम्स्टर्डम, और ये जाना जाता है अपने खूबसूरत घरों के लिए और यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स के लिए। तो अगर आप एम्स्टर्डम में हो, देन इट इज़ अ मस्ट दैट यू पास थ्रू दिस लिटिल स्ट्रीट्स। और जब आप एम्स्टर्डम सेंट्रल से जॉर्डन बाय वॉक आओगे, देन यू विल कम टू सी मैनी कैनाल्स, और आपको तब पता चलेगा कि क्यों एम्स्टर्डम को वेनिस ऑफ नॉर्थ कहा जाता है। चीज़ शॉप्स आपको यहाँ एट एवरी कॉर्नर मिल जाएंगी। एक हमारे जस्ट पीछे भी यहाँ पे चीज़ शॉप है, तो हर चीज़ शॉप पे आपको चीज़ टेस्टिंग मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ है चीज़ की। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मस्ट ट्राई व्हेन यू आर इन यूरोप आर बेकरीज़। बेकरीज़ में यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप पेस्ट्रीज ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की पाइज ट्राई कर सकते हो, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज़। आप शॉप में घुसोगे ना, तो आपको तो मन करेगा कि सब कुछ ही खा लो यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपको इंडियन खाने का ज़्यादा ही मन है, तो वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, बट इफ़ यू आर ऑन अ बजट ट्रिप, यू कैन डू व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडी टू ईट पैकेट्स हैं जो हम अपने साथ लेके आए हैं। अभी हम लोग एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पे थे, वहाँ से हमने म्यूजियम प्लान के लिए ट्रैम ली है। ट्रैम नंबर 12 है जो डायरेक्ट आपको म्यूजियम प्लान पे ड्रॉप करेगी। अच्छा, ट्रैम में या तो आप ऑनलाइन टिकट्स बाय कर सकते हैं, इसकी एक ऐप है 9292, ये ऐप का नाम है। इसके अलावा ट्रैम के अंदर भी आपको टिकट मिल जाता है। तो बेसिकली ट्रैम के जो टिकट्स हैं वो 24 आवर्स टिकट, 48 आवर्स टिकट्स होते हैं। तो जैसे हमने अभी 1 आवर का टिकट लिया है ट्रैम का, बिकॉज हमें उससे ज़्यादा घूमना नहीं है। बट अगर आप जैसे 1 डे पूरा स्पेंड करना चाह रहे हो एम्स्टर्डम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक एंटायर डे टिकट ले लेना चाहिए ट्रैम का, बिकॉज ट्रैम की एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब विद इन 1 किलोमीटर भी अगर आपको जाना है, तो देर इज़ नो नीड टू वॉक, जस्ट टेक द ट्रैम। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे फॉर इंटरनल ट्रैवल। तो म्यूजियम प्लान जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजियम हैं, तो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन आर्ट्स, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सबसे फेमस इज़ द वैन गॉग म्यूजियम जो यहाँ पे है। इसके अलावा रिक्स म्यूजियम, मोको म्यूजियम। मोको म्यूजियम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स और डिजिटल आर्ट्स का कुछ ऐसा इफेक्ट्स है कि वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हैं। मोको म्यूजियम का जो टिकट है वो अराउंड 19 यूरो पर पर्सन है।